आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका विभिन्न रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लोग अंग्रेजी दवा के बजाय हर्बल दवा का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने और बढ़ावा देने के लिए हर्बल और प्राकृतिक उपचार काफी सफल साबित हुए हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और मसाले हैं जो आपके घर में ही मौजूद है, जो सर्दी, खांसी, बुखार, हाई ब्लड प्रेशर आदि के लक्षणों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं और तेजी से बढ़ती उम्र को भी रोक सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 8 जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाले हैं जो सेहत का खजाना है। फ्लू और आम सर्दी से लड़ने के लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है। ये रक्तचाप को कम करके हृदय रोग का खतरा कम करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जिन्हें अल्जाइमर और डेमेंशिया को रोकने के लिए जाना जाता है। रोजमेरी की सुगंध लोगों की याददाश्त, एकाग्रता, प्रदर्शन और मूड में सुधार कर सकती है। इसके गुणों को प्राप्त करने के लिए इसकी पत्तियों को मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिर्च आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये फैट बर्न करने में आपकी मदद कर सकता है। मिर्च खाने से पहले आपको उसके बीज को हटा देना चाहिए। साथ ही मिर्च एंटी एजिंग का भी काम करता है। अदरक पाचन में सुधार करता है और गैस को कम करता है। ये सूजन को कम करता है, दर्द से राहत देता है और ठंड को कम कर सकता है। अदरक मॉर्निंग सिकनेस को कम करता है और नौजिया से राहत देता है। आप अदरक की चाय और सूप ले सकते हैं। अजमोद हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद करने के लिए एकदम सही है। विटामिन से भरपूर अजमोद हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। सूखे अजमोद का उपयोग सूप या फिर टोमेटो सॉस के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ताजे अजमोद को सलाद की ड्रेसिंग, मैरिनेड और समुद्री भोजन व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। पुदीना सिर दर्द और माइग्रेन को राहत देने में मदद करता है। पुदीने की चाय की भाप सांस लेने की समस्या से राहत देने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये बंद नाक को राहत दे सकती है। पुदीने के पत्तों को खाद्य पदार्थों में स्वाद के लिए जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग तेल के रूप में भी किया जा सकता है। दालचीनी शरीर में संक्रमण से लड़ने और डैमेज टिश्यू की मरम्मत में मदद कर सकती है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है और यहाँ तक कि आपको कैंसर से भी बचा सकती है। इसकी छड़ी को चाय और कॉफी में यूज कर सकते हैं। कैमोमाइल चाय मासिक धर्म के दर्द को कम कर सकती है। ये चाय शरीर में रक्त शर्करा को भी कम करती है, जिससे डायबिटीज का इलाज होता है। आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल दलिया या अनाज में कर सकते हैं। ताजा कैमोमाइल फूल और पत्तियों को सलाद में भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही इसकी चाय भी बेहद उपयोगी है। मगर ध्यान रहे, कुछ भी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर किसी चिकित्सक से सलाह जरूर ले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।